जय हिंद, जय हिंद। मैं मेजर गौरव आर्य, 16 दिसंबर विजय दिवस है। आइए मैं सुनाता हूँ आपको एक ऐसे शूरवीर की कहानी जिसने बहुत छोटी उम्र में परमवीर चक्र जीता। तकरीबन 6 महीने की नौकरी रही होगी और एक ऐसी आइकॉनिक आर्मर्ड रेजिमेंट से उनका वास्ता था। एक अकेली आर्मर्ड रेजिमेंट, एक रेजिमेंट के अंदर दो परमवीर चक्र। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 17 पूना हॉर्स की, और जिस शूरवीर की मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल परमवीर चक्र। कहानी उन दिनों की है 1971 में, जब पहला और दूसरा सप्ताह दिसंबर का, ठंड का महीना, और हुक्म दिया गया कि अटैक करा जाए पाकिस्तानी ऑब्जेक्टिव के ऊपर और फिर आगे अपना फैलावा कर सकें, अटैक कर सकें। जब वहां पे पहुंचे तो पता लगा कि पाकिस्तानी ने बारूद की सुरंग लगा रखी थी काफी तादाद में। वहां पे हमारे जो आर्मर्ड कॉलम्स थे वो फंस गए थे, और आर्मर्ड कॉलम्स को रीइन्फोर्स करने के लिए, यानी कि और लोग भेजने के लिए, वहां पे सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को बोला गया कि आप जाइए और उनको रीइन्फोर्स करिए। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, सोचिए जरा, थोड़ा जहन में लाइए बात, क्या उम्र रही होगी उनकी, 20 साल, 21 साल, 6 महीने की नौकरी, यंगस्टर। ये ऑफिसर निर्णय करता है कि मुझे लड़ना है, और दुश्मन के ऊपर टूट पड़ता है अपने टैंक्स लेके। इतना कहर का और इतना जबरदस्त इनका अटैक था कि दुश्मन के छक्के छूट गए और दुश्मन पीछे भागने लगा। इसी वक्त दुश्मन के एक टैंक ने इनके टैंक पे मारा और सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जख्मी हो गए। इन्होंने देखा दुश्मन भाग रहा है, लेकिन फिर भी ये दुश्मन का पीछा जख्मी हालत में करते रहे और ये लड़ते रहे, आगे फायरिंग करते रहे, टैंक इनका बढ़ता रहा आगे। दुश्मनों को पता लग गया कि ये अकेले हैं, और उसी वक्त दुश्मनों ने अपना टैंक घुमाया और वापस उस एरिया को कैप्चर करने के लिए तैयार हो गए। इस वक्त सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के दिमाग में एक बात आई कि अगर वो पीछे हट जाते हैं तो दुश्मन को वो बड़ी इंपॉर्टेंट एक जो दुश्मन को एक गैप चाहिए वो मिल जाएगा और हमारी लड़ाई नाकाम हो जाएगी। उन्होंने अपना टैंक छोड़ने से मना कर दिया, जबकि उनको बोला था कि आप अपना टैंक छोड़ दीजिए, आपको चोट लग चुकी है, आपकी जान जा सकती है। उन्होंने मना करा, लड़ते 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 ये शूरवीर शहीद हो गया। मैं शायद कल्पना भी नहीं कर सकता, आप भी शायद कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितनी बहादुरी चाहिए, कितना कलेजा चाहिए, कितना गुर्दा चाहिए, जब आपके आसपास बारूद फट रहा हो, आपके आसपास टैंक जल रहे हों, वो लाशों के जलने की बदबू, वो गन पाउडर यानी कि बारूद जलने की बदबू, वो धमाका, वो रोशनी, वो कंफ्यूजन, वो तहस नहस वाला माहौल, उसके बीच में एक यंग ऑफिसर, एक जवान ऑफिसर 6 महीने की नौकरी का खड़ा होता है और पाकिस्तानी आर्मर्ड कॉलम की कलाई मोड़ देता है, उनके दांत खट्टे कर देता है। ये कहानी थी शहीद परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की।